अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। बस मेरे आपसे गुजारिश यही रहेगी कि क्या आप पिछले 10 साल का चार्ट देख रहे नहीं हैं? कौन से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने आपके लिए क्या किया और क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ देश के लिए? क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे जब नफ़रत की आंधी इन लोगों ने इतने तेज़ी से फैला के रखी है, आप सच बोलने से क्यों डरते हैं? और सच बात तो ये है कि यही मौका मिला है सबको बोलने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि सारे पॉलिटिशियंस ये पार्टी से स्विच होके यहाँ चले गए हैं और उनमें से आपके चहेते लोग भी, मेरे भी चहेते लोग हैं, लेकिन मैं सच बोलने से तो चुप नहीं बैठने वाली, मैं तो बोल के रहूँगी जो मुझे बोलना है। और दूसरी बात यह है, जान के वोट दीजिए कि आप अगर इस बंदे को, आपके चहेते को वोट देंगे तो ये वोट कहाँ जाएगा? ये वन नेशन वन पार्टी की तरफ जाएगा? आप देख रहे हैं प्रचार के समय एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं दूसरे दूसरे पार्टीज़ के कि वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टी है जो बात कर रही है परिवार और गारंटी की, और एक ही आदमी पे। क्या है वो, क्या है, क्या अच्छा कर लिया? कौन से अपने खुद के किए हुए स्कैम के ऊपर इंक्वायरी बिठा दिए? और वो जो 3,000 से ज़्यादा वीडियो निकले हैं वो हैवान के, उसके लिए क्या कर लिया? सब चुप बैठे हैं। अलायंस में हाथ पकड़ लो और तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। अगर आपने उन अलायंस वाले लोगों को वोट दिया है तो आप भी उस गुनाह में शामिल हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।